मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा ट्रैफिक विभाग के सामने आज एक कांस्टेबल और कुछ ट्रैफिक वार्डन ये ऑटो रिक्शा और बाइक वालों पर जो है कार्रवाई कर रहे थे, लेकिन इसी कार्रवाई के दौरान एक शख्स ने ट्रैफिक वार्डन और कांस्टेबल के साथ जो है वो गाली गलौज की है। दरअसल आपको बता दें कि ट्रैफिक विभाग कार्यालय के सामने ही दोपहर के समय या रात शाम के समय में जो है यहाँ पर कार्रवाई की जाती है, और आज शाम के वक्त जो है यहाँ पर एक कांस्टेबल और कुछ ट्रैफिक वार्डन जो है ये कार्रवाई कर रहे थे। इसी दौरान एक ऑटो रिक्शा पे जो है कार्रवाई की गई, और उसी ऑटो रिक्शा में सवार एक यात्री अचानक उतरा ऑटो रिक्शा से और ट्रैफिक वार्डन और कांस्टेबल से जो है वो बहस करने लगा, यहाँ तक कि गाली गलौज भी करने लगा, उल्टी सीधी बातें करने लगा, देख लेने की बात की। बताया जा रहा है कि जो ऑटो रिक्शा पर चालान किया जा रहा था इसी के संदर्भ में वो यात्री जो है भड़क गया था और ट्रैफिक वार्डन से जो है वो गाली गलौज की है। काम से जा रहा तो समझा क्या हुआ, पकड़ना चाहिए ना, गाली गलौज तुम लोग को देखे जा रहा है, पकड़ नहीं रहे हो।